क्या कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सलमान खान पहुंचेंगे? अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है कि अब वहां आतंकवादी सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अरे भड़काएगा क्या ये, चटपुरी दो टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का इस्तेमाल करो, उठ के भागेगा मैं इसके। अरे कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई। अरे एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इन सब के बीच पूरे देश के मन में एक ही सवाल है, आखिर हादसा हुआ कैसे? हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया की करते हैं। इस हफ्ते काफी दुखदायी घटना हुई। तमिलनाडु के कुरनूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश होने से देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इस मीडिया कवरेज भी जारी है जिसमें ग्राफिक के जरिए पूरा हादसा बताया गया। आप ABP न्यूज की ये क्लिप देखिए। मौसम जिम्मेदार हो सकता है। फिलहाल आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये देखिए MI-17 जो सीधे जमीन से आकर टकराया, इसका अगला हिस्सा, और टकराने के बाद आप जानते हैं फ्रिक्शन होता है, इतना ज्यादा जोर से जब आकर कोई चीज टकराती है तो उसकी वजह से आग, और उसी आग की लपटों में ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से जलकर खाक, वो मलबे की तस्वीरें भी आपका चैनल ABP न्यूज आपको दिखा रहा है। इतनी दुखद घटना के बाद मीडिया में अब मौत के पीछे कोई साजिश, कुछ ऐसी बातें होनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा देखिए मीडिया में क्या चल रहा है इस मुद्दे पर। इन सब के बीच पूरे देश के मन में एक ही सवाल है, आखिर हादसा हुआ कैसे? सरकार ने जांच बिठा दी है, उम्मीद है अब हादसे के हर पहलू जल्द ही सामने आएंगे। इसीलिए इस हेलीकॉप्टर क्रैश पर एक गंभीर सवाल भी उठ रहा है कि महज ये हादसा है मौसम की वजह से या तकनीकी खराबी की वजह से, या कहीं कोई इसके पीछे गहरी सोची समझी साजिश। वो लैंडिंग के ठीक 7 मिनट पहले आखिर कैसे क्रैश हो गया, उन आखिरी क्षणों में आखिर क्या हुआ, देश की बेचैनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इसका जवाब, इसका सच सामने नहीं आ जाता। देश में पेट्रोल के दाम 90 रुपए से ज्यादा है और किसी राज्य में 100 से ऊपर। LPG सिलेंडर और तेल के दामों ने जनता का तेल निकाल दिया है। ऐसे में मीडिया को पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की चिंता है, भारत की नहीं। अब जी न्यूज की ये वीडियो देखिए। अब आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, जिसकी अर्थव्यवस्था इतनी बुरी हालत में है कि अब वहां आतंकवादी सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। अब आतंकवादी खुद सरकार चलाना चाहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पड़ोसी अफगानिस्तान में हुआ। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उसकी आजादी के बाद से ही सबसे बुरी स्थिति में है, और ये बात कुछ दिनों पहले खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने ही स्वीकार की थी। लेकिन फिर भी इमरान खान बात बात पर अपने देश के लोगों से कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान के पास दूसरे देशों में मौजूद अपने दूतावासों के कर्मचारियों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं है। मीडिया भले ही देश की महंगाई की बात ना करे, पर बॉलीवुड में क्या चल रहा है इस पर मीडिया खबर दिखाना नहीं भूलता। हाल ही में विकी कौशल और कैटरीना कैफ शादी के बंधन में बंध गए। मीडिया ने उनके वेन्यू, खाने के मेन्यू से लेकर शादी के रस्मों तक की जानकारी दी। जी हां, विकी कौशल और कैटरीना कैफ यानी विकरीना की शादी का दिन नजदीक आ रहा है, 7 दिसंबर यानी आज संगीत की रस्म। क्या कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सलमान खान पहुंचेंगे? शादी के अरेंजमेंट में लगे लोग अंदर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे, डॉक्टर और एम्बुलेंस की भी तैनाती रहेगी। भैया इतने प्रेशर में किसी की तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना। इसके अलावा बाथरूम में एक बड़ी सी बाथटब है। मीडिया डिबेट में अक्सर नेता और एंकर के बीच बहस हो जाती है। ऐसे ही डिबेट न्यूज 18 पर हुई, जिसमें AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने डिबेट में मौजूद गेस्ट पर निशाना साधा, जिससे एंकर पर भी तंज कस गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हसले 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 बेटा हसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल आगे बोल। ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? अरे भड़काएगा क्या ये, चटपुरी दो टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का इस्तेमाल करो, उठ के भागेगा मैं इसके। अरे कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड, भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे।
तीनों केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली से सटी सीमाओं पर एक साल से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन 9 दिसंबर को समाप्त हो गया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर पर अहम बैठक के बाद किसान आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान किया। इसके साथ ये भी कहा गया कि 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा समीक्षा बैठक करेगा। एसकेएम के नेताओं ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि 11 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से किसानों की वापसी होगी। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया, इन सब चीजों को देखते हुए ओवरऑल मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि देखिए 100 में से 100 बात कभी ना मानी जाती है और किसान को तो जो भी मिलता है संघर्ष से ही मिलता है, इसलिए हमने तय किया है परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहाँ दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, MSP का संघर्ष बाकी है, तमाम संघर्ष हैं जो हमें लड़ने हैं। हमने तय किया है 1 महीने बाद फिर मिलेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे कि जो कुछ सरकार ने वादे किए उस पे कायम है कि नहीं है और उसके बाद अपने संघर्ष को कैसे आगे लेके जाना है इसके बारे में तय करेंगे। इसके बाद मीडिया में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, देखते हैं इस पर गोदी मीडिया का रिएक्शन। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि इस आंदोलन ने इस देश को क्या दिया, आप सबको क्या दिया। दिल्ली पुलिस ने इस आंदोलन में किसानों की सुरक्षा के लिए 7,38,00,000 रुपए खर्च किए और ये सारा पैसा देश का टैक्स देने वाले लोगों की जेब से गए हैं। 7,50,00,000 इनकी सुरक्षा में खर्च हो गए। इस आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2,500,00,000 रुपए के टोल टैक्स का नुकसान हुआ। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को प्रतिदिन 2,000,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है, यानी इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो 378 दिन तक आंदोलन चलने से भारत को 7,50,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। 11 तारीख से किसान जो है वो अपने अपने घर वापस जाना शुरू करेंगे और 15 जनवरी को ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो एक रिव्यू मीटिंग करेगा कि हमसे जो सरकार ने कहा वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसान आंदोलन खत्म हो गया ये तो तय है, लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब नहीं मिला है, मैं उस पर आऊं। उससे पहले जो मैंने हेडर में दिया है कि राकेश टिकैत की कैसे घनघोर बेइज्जती हुई है, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि राकेश टिकैत की बेइज्जती का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। उनको मीटिंग में नहीं बुला रहे थे, उनको जो 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई उसमें नहीं डाला गया, जब ये लोग निर्णय ले रहे थे कि खत्म कर देना है आंदोलन तब भी उनको नहीं बुलाया गया। मेरे शो में बेचारे बोल के गए कि मैं उत्तराखंड में हूं, अगले दिन जाऊंगा नहीं जाऊंगा और अगले दिन जाकर करूंगा, वहां पर बैठक करूंगा, थोड़ी देर के लिए गए, उसके बाद इनको विदा कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहे पंजाब टुडे के साथ। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.